गाइस फाइनली आ गया अपना खलेरी बर्गर भाई। ऐसा बर्गर आपने पूरे इंडिया में कहीं नहीं खाया होगा। पूरे इंडिया में मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ आपको खाने को कहीं नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेट होने वाली है वीडियो। आइए राजन जी से मिलते हैं, जानते हैं कि उन्होंने एक चीज़ कैसे स्टार्ट करी। खलेरी नाम कैसे आया ये? खलेरी नाम एक्चुअली पंजाबी वर्ड है, हर कोई जानता है खलेरी, खलेरा पाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खलेरा मतलब तिल तिल फैल गया, फैल गया, बिल्कुल फैल चुका। एक्चुअली इसके पीछे दो स्टोरी है। अच्छा, पहली चाइल्डहुड में जब मैं कुक करता था, एक्चुअली मेरे को बचपन से ही खाना बनाने का शौक है। जब मैं किचन में जाके बनाता था खाना, तो माय ग्रैंड मदर और मम्मा कम टू मी, तो क्या बना रहा है? अच्छा। क्या खलेरा डाला हूँ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, अभी आप अंदर जाके बैठो आपको ट्राई करा। तो बिल्कुल जैसे मैं बचपन में हम कभी किचन में जाते हैं तो बनाने से ज्यादा खलेरा बनाते थे। बिल्कुल। और जब मैं बनाकर आया बाहर तो वो कहते कि क्या बनाया, मैंने कहा आपका खलेरा। तो एक तो ये हो गया। तो बचपन से जो यादें थी उसी को एग्जीक्यूट हो गया मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद जब फ्रेंड्स के साथ खाने बैठा तो वही प्लेट में जब खाने लगे तो खाते हुए ना फर्स्ट बाइट लेते वो गिर गया। तो जब गिरा तो कहता दोस्त बोल रहा भाई क्या खलेरा ये भाई, गिर ज्यादा गया। तो तब से ही इसका नाम खलेरा ही डाल दिया। तो लाइफ की मेमोरीज को जोड़ते हुए साथ में वहीं से ये नाम निकला। खलेरा पंजाबी वर्ड होता है जिसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं ना बचपन में घरों में खलेरा फैला देते हैं। खलेरा फैला देते हैं बिल्कुल। तो उसी के नाम पे ये स्ट्रीट फूड इन्होंने ओपन किया है, खलेरी बर्गर। और सर ये बताइएगा कि ये मैंने सुना है बिना बन का बर्गर है ये। हाँ जी। तो ऐसा क्या माइंड में आया कि मुझे बिना बर्गर, बिना बन का ही बर्गर बनाना है? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं बर्गर खाता था ना। हाँ। तो मेरे को बड़ा सूखा सा लगता था। ये उसके तो मुझे लिए भी लगता सर, मैं भी एग्री करूंगा। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक अंदर ढकेलने के लिए उसको कुछ चाहिए होता था, ठीक है ना। तो उससे उठना था मेरे को कि मेरे को नहीं खाना। और कई बार हुआ मैं जैसे मॉल वगैरह में गया तो मैं घर से ही बना के जाता था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे पता है मैकडी जाएंगे, केएफसी जाएंगे, बट मुझे वहाँ का नहीं खाना। मुझे एक वो चीज़ चाहिए जो हेल्दी भी हो और ख़ुद की बनाई हुई हो, तो क्या ही दिक्कत है। चिकन भुना आइटम मेरी खूब रनिंग में थी। अच्छा। तो मेरे को वहाँ से ये कंसेप्ट था कि मेरा चिकन भुना आइटम जो है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। और उसके बाद घर पे हमारे कबाब बनते थे, ठीक है। जो फ्रेंड्स ने नाम दिया एगलेट्स, एगलेट्स है वो यहाँ पे कबाब बनते हैं जो हमने बर्गर का बेस बनाया हुआ, ठीक है। उसी बेस के बीच में हम जो हमारी आइटम थी चिकन भुना, उसके बीच में स्टफिंग जो है वो चिकन भुना की है, ठीक है ना। ये प्योर चिकन थाई का पीस है, ठीक है ना। खाने के जो टेस्ट आएगा चिकन थाई का पीस आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करें और बताएं। तो गाइस अब अपने लिए बर्गर लगवाते हैं। ये चिकन है, ये फुल कुक्ड है, मतलब आप इस बर्गर को फास्ट फूड नहीं बोल सकते। अच्छा। ये फुल कुक प्रोसेस है सारा का सारा। बेसिकली मोर ऑफ अ प्रोटीन डाइट इसको। हाँ, ये चिकन बनने में 3 आवर्स लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं इसकी प्रिपरेशन को। तो ये प्रिपरेशन में मसाले आप ही अगर के यूज होते हैं? मसाले सारे मेरे अपने यूज है, इसका अलग मसाला, उसका अलग मसाला। और प्रिपरेशन भी आपके खुद के हाथ की? सब कुछ खुद का भैया। ये फ्रेशली चॉप किया मैंने जस्ट अभी, ठीक है, ठीक है ना। ये आगे ऊपर से लेटस, आइसबर्ग, आइसबर्ग, आइसबर्ग आगे ऊपर से ये आ गया। सॉरी, ये क्या आएगा? लिक्विड चीज, लिक्विड चीज। अरे भाई वाह, तो ये आ गया बेस। ये जो बेस है ना इनका, ये दैट इज विदाउट एनी ब्रेड। तो गाइस फाइनली आ गया अपना खलेरी बर्गर भाई। ऐसा बर्गर आपने पूरे इंडिया में कहीं नहीं खाया होगा। बिना बेस का बर्गर है ये। आप अगर देखोगे ना, जनरली बेस जो यूज़ होता है वो ब्रेड का होता है, और यहाँ पे जो बेस यूज़ किया है वो प्योर प्योर मीट का, प्योर चिकन का बेस यूज़ किया है यहाँ पे। और अंदर भी फिलिंग जो है वो चिकन की फिलिंग है, लाजवाब फिलिंग आपने देखी ऑलरेडी, मज़ेदार है। और ख़ासकर पंजाबी में कहते हैं ना कि बच्चे अक्सर घर में खलेरा फैला देते हैं, तो उसी तरीके का बर्गर है और उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है, खलेरी स्ट्रीट फूड, खलेरी बर्गर। तो आइए टेस्ट करते हैं इसे। और भाई फुल ऑन, मतलब अगर कोई डाइट करता है ना, जिम वाला कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, या फिर कोई हेल्दी प्रोटीन रिच बर्गर खाना चाहता है, तो भाई मोस्टली हाईली रिकमेंडेड है ये बर्गर।
कभी भी आए यहाँ पे तो ये जरूर ट्राई करें। बाकी एक टेस्ट लेते हैं, एक बाइट करते हैं। एक बाइट और लेता हूँ। तो गाइस ये चेक करो, इतना सुपर सॉफ्ट बेस है ना इसका। ओए होए होए होए, तो आप चाहो ना तो एक चम्मच या कांटे से भी, एक फॉक से भी इसको खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो एक प्रॉपर मील है ये। कभी भी आप यहाँ पे आते हो तो कभी भी इवनिंग स्नैक्स या लंच मील के तौर पे, या फिर नाइट में कभी भी वॉक करने आओ तो यहाँ पे आके ये ज़रूर ट्राई करें। जानना चाहूँगा सबसे पहले ना यहाँ की लोकेशन एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हरिनगर घंटा घर है ये। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे बिल्कुल सामने हरिनगर घंटा घर है। पीछे आप देख सकते हैं घंटा घर है और ये ऐसे ही लगाते हैं। हाँ जी, बहुत ही फेमस पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप बेरीवाला बाग की तरफ से आ रहे हैं ठीक तो है। दीनदयाल हॉस्पिटल क्रॉस करते हुए ये लोकेशन लेफ्ट में पड़ेगी आपके, ठीक है ना। और अगर आप मायापुरी से आ रहे हैं तो हरिनगर घंटा घर से बोल लो, ये लोकेशन बिल्कुल राइट पे पड़ेगी, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग 5 to 10। और प्राइस बर्गर का 90 rupees। तो गाइस अगर आप भी ये बर्गर ट्राई करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ हरिनगर। लोकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड